सावन के दिनों में इन दिनों कांवड़िए लगातार कांवड़ लेकर जा रहे हैं, लेकिन अब राजस्थान में गृह विभाग के निर्देश के बाद कांवड़ यात्रा को लेकर राजस्थान में नया विवाद शुरू हो गया, जहां उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओर से जिलों की सीमा में प्रवेश करने वाले कांवड़ियों पर आप डीजे नहीं बजा सकेंगे और डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा कांवड़ की ऊंचाई और हथियार रखने को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई। आपको बता दें कि सावन माह में उत्तर प्रदेश के सरोजी और उत्तराखंड के हरिद्वार व कर्णप्रयाग से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर अपने अपने क्षेत्रों में स्थित भोले बाबा मंदिरों में पहुंचते। मध्य प्रदेश आने वाले कांवड़ यात्री धौलपुर से होकर गुजरते और इसी कारण सावन माह में आगरा मुंबई हाईवे पर बड़ी संख्या में कांवड़िए देखे जाते, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बीच करीब 27 किलोमीटर का हिस्सा धौलपुर जिले की सीमा से लगता है और इसी पर ही यह कलेक्टर ने डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया। इन आदेशों के अनुसार कांवड़ यात्री को इस धौलपुर की 27 किलोमीटर सीमा में जारी किए गए सभी आदेशों की पालना करनी होगी। यात्रा के दौरान कांवड़िए अपने साथ ओकी, बेसबॉल स्टिक, तलवार, नुकीले बाले, लाठी डंडे इत्यादि लेकर नहीं चल सकेंगे और यात्रा के समय मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। इसके अलावा कांवड़ में डीजे और लाउड स्पीकर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस पूरे मामले पर धौलपुर कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद राज्य की सीमा में कांवड़ियों के साथ चलने वाले डीजे पर संबंधित इलाके की चेक पोस्ट और पुलिस अब कार्रवाई करेगी।